ब्रह्मांड हमारा कब बना और कैसे बना, हम लोग इस टॉपिक में धरती से लेकर के ब्रह्मांड तक की सफर के बारे में आज विस्तार से समझने वाले हैं। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा आज तक जितना खोज हुआ है मैं आप लोग के सामने रखूंगा और आप लोग ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि ये मेरा वीडियो पहला है। धरती पर जितने भी जीव हैं सभी लाखों जीवों के बीच में हमारा हम एक मानव ही है कि ऐसा कि जो सोचने का, कुछ खोज करने का, आविष्कार करने की क्षमता। जब से धरती पर मानव का जन्म हुआ तब से हमने नई नई आविष्कार, नई नई खोज तलाश जारी रखा। आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारे ब्रह्मांड के बारे में खोज क्लॉडियस टॉलेमी के समय से शुरू हुआ। ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन, उनका कहना था कि ब्रह्मांड की केंद्र पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य और अन्य ग्रह घूमते रहते हैं। तो उच्च विद्वानों का मत ऐसा ही था कि पृथ्वी हमारी ब्रह्मांड की केंद्र है और उस पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रह, सब कुछ आकाशीय पिंड जितने हैं पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं हुआ। 1543 सन में पोलैंड का रहने वाला कोपरनिकस ने यह विश्वास किया और साबित किया और खोज किया पूरे ब्रह्मांड का कि ये ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। कोपरनिकस सेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यानी कि उसने ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र नहीं है, यानी कि सूर्य केंद्र है, सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रह और पृथ्वी भी घूमती है। लेकिन ये सफर खोज जारी रहा और गैलीली ने भी 1609 सन में अपने टेलीस्कोप के द्वारा ये सारे ग्रहों को, बहुत से ग्रहों को देखा और तब ये बातें और भी साबित, ये पक्की बन गई कि ये बात कोपरनिकस ने जो पहले कहा था वो सत्य है। लेकिन मैं एक कुछ बातें बताना चाहूँगा आप लोगों की, आज से करीब 10-12 हज़ार वर्ष पहले हमारे ऋषियों द्वारा भी कुछ खोज हुआ था, जो कि वो लोग बिना साधन के ही अपने तपस्या के ध्यान से ही समझ गए थे कि हजारों हजारों सूर्य है, हजारों हजारों पृथ्वी, लाखों है। उन्होंने ये वेद शास्त्र में भी मिलता है। बेल्जियम का रहने वाला जॉर्ज लेमेटियर के अनुसार आज से करीब 15 अरब वर्ष पहले सिंगल बिग बैंग के महाभयंकर ब्लास्ट से हुआ। यानी कि महाभयंकर ब्लास्ट के बाद अरबों अरबों गैलेक्सियों की, यानी कि मंदाकिनियों की उत्पत्ति हुआ। और एक एक मंदाकिनी, सुनिए, इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी और हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी, एक एक मंदाकिनी में सैकड़ों असंख्य तारे यानी कि सूर्य बने। जैसे कि हमारा ये सन है, हमारा सन का एक सौर जगत है, सौर परिवार है, सोलर सिस्टम है। जब इसमें हमारा एक सन में 8 ग्रह और 166 उपग्रह, धूमकेतु और उल्काए हजारों की संख्या में क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह हैं, तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर एक सूर्य का इतना परिवार लंबा है तो हमारे इस ब्रह्मांड में असंख्य असंख्य तारे हैं, तो उनका परिवार कितना लंबा होगा और इसका विस्तार कितना होगा। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में सीखने के लिए जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोग बताऊंगा कि क्लस्टर क्या है, गैलेक्सी क्या है, मंदाकिनी क्या है, सोलर सिस्टम के तहत 50 से 100 गैलेक्सी को मिला करके एक क्लस्टर बना है और 10 क्लस्टर को मिला करके एक सुपर क्लस्टर बना है। और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है जिसका नाम है लिनिया किया सुपर क्लस्टर। हमारा सौर जगत जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उसका नाम है, इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे और हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा। और आकाशगंगा क्यों बोलते हैं, हमारी जो भी मंदाकिनियाँ है, जो वो भी गैलेक्सी है, वो सबका वो बहती हुई नदी के समान दिखती है, बहती हुई नदी के समान दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है आकाशगंगा और मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा जो है कहाँ पर है, लिनिया किया सुपर क्लस्टर के में से एक
क्लस्टर से बिलोंग करती है। और उस देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से कैसे कैसे हुआ कि यानी कि लेनिया के या सुपर क्लस्टर के बीच एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर के बीच एक गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहते हैं। और उस मिल्की वे के साउथ पार्ट में हमारा सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में क्या है, हमारा सन है। और एक सन में 8 ग्रह, 166 उपग्रह और हजारों की संख्या में धूमकेतु, उल्काएं और ये सभी मिलाकर हमारा बना है सौर जगत। तो ऐसे सफर है, और उस सौर जगत में हम जहाँ रहते हैं इसको धरती बोलते हैं। तो इसमें आप लोग मैं बताऊंगा कि हमारा जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, ये कितने दूर में फैली हुई है। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ये चीज़ कि हमारा जो लेनिया किया सुपर क्लस्टर यहाँ से कितना दूर है, यानी कि 251.1 मिलियन लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष यहाँ से धरती से दूर है लेनिया किया सुपर क्लस्टर 251.1 यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, यानी कि एक साल के अंदर सूर्य का प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करता है उसी को बोलते हैं लाइट ईयर, और हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रत्येक सेकेंड में सूर्य का लाइट दूरी तय करता है 3 लाख किलोमीटर, एक सेकेंड में करता है दूरी के कितना दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर। तो अब सोचिए कि एक सेकेंड में जब 3 लाख, तो 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट, और 60 मिनट का होता है 1 घंटा, और 24 घंटे का होता है 1 दिन आप लोग जानते हैं, और 365 दिन का होता है 1 वर्ष। तो पूरे 1 वर्ष इसी गति से सूर्य का लाइट चलता रहा तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और वैसे ही 251 प्रकाश वर्ष यहाँ से दूर है हमारा क्या चीज, लेनिया किया सुपर क्लस्टर, जो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। इसमें असंख्य गैलेक्सी हैं और तारे हैं। हमारी आकाश गंगा के कितने दूर में फैली है, जहाँ उस यदि परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे आकाश गंगा मिल्की वे के पास में सबसे बड़ा, तो उसका नाम है दोस्तों मन्नाकिनी देवयानी, और इंग्लिश में वो बोलते हैं एंड्रोमेडा, यानी कि एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा के सबसे पास में बड़ा गैलेक्सी है। तो इस ब्रह्मांड में करीब 10 मिलियन सुपर क्लस्टर्स हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी तो अरबों के संख्या में मंदाकिनियां बनी यानी कि गैलेक्सी बनी, और एक एक गैलेक्सी में एक मंदाकिनी में लाखों अरबों की संख्या में तारे बने। तो और 50 से 100 गैलेक्सी को मिलाकर एक क्लस्टर बना, और 10 क्लस्टर को मिला करके एक सुपर क्लस्टर बना। तो ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में 10 मिलियन सुपर क्लस्टर है, पूरे ब्रह्मांड में हमारा 10 मिलियन सुपर क्लस्टर्स है। एडविन हुबल डिस्कवर द यूनिवर्स। दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग की कोपरनिकस के बाद एडविन हुबल ने इस यूनिवर्स का खोज किया 1929 में। अगर क्वेश्चन आए कि इस ब्रह्मांड में सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना गैलेक्सी कौन है, GN Z11 इज द ओल्डेस्ट गैलेक्सी इन द स्पेस, ये सबसे ब्रह्मांड का सबसे पुराना गैलेक्सी है। और यदि क्वेश्चन है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गैलेक्सी कौन है, सबसे लार्जेस्ट, तो वो है IC 1101 इज द लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द स्पेस। हमारा सोलर सिस्टम कितने दूर में फैला हुआ है आप लोगों को कि 27,000 लाइट ईयर में फैला हुआ है सोलर सिस्टम हमारा, कितना 27,000 लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आया कि हमारे ब्रह्मांड में कितना गैलेक्सी है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इस ब्रह्मांड में 100 बिलियन, इस ब्रह्मांड में 100 बिलियन गैलेक्सी है। क्वेश्चन आए कि हमारा लेनिया किया सुपर क्लस्टर में कितने गैलेक्सी होंगे, तो वैज्ञानिकों को मानना है
कि हमारे सबसे बड़ा इस सुपर क्लस्टर में जहां 10 मिलियन सुपर क्लस्टर है इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें सबसे बड़ा है लेनिया की यह सुपर क्लस्टर। इसमें करीब 1 लाख से 1.5 लाख क्या है गैलेक्सी का संख्या है, 1 लाख से 1.5 लाख कहाँ पर, यानी कि लेनिया की यह सुपर क्लस्टर्स में। लेनिया के सुपर क्लस्टर्स का विस्तार है 520 मिलियन लाइट ईयर। दोस्तों हमारी आकाशगंगा 1,20,000 लाइट ईयर में फैला हुआ है और उसी सोलर सिस्टम में जहां सन हमारा है, उस सन के पहले क्या था वहां पर निहारिका था। निहारिका इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, तो नेबुला पहले था सूर्य के पहले, तो वहां पर निहारिका के बीच में हल्की गैस थी हाइड्रोजन और हीलियम का जोड़ने से, हीलियम और हाइड्रोजन को मिलने से बना था हमारा सूर्य, बना था वहाँ पर निहारिका में। पहले निहारिका से बना सूर्य और सूर्य से बना ग्रह जो कि हमारी पृथ्वी है, और सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य के सबसे पास में ग्रह है जिसका नाम है मरकरी, बुध, वेनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, और वेनस यानी कि अरुण, और नेपच्यून मींस यानी कि वरुण। ये 8 ग्रह हैं, 166 उपग्रह है और इससे बना, और ग्रह बौने ग्रह क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्कों को मिला करके बना है सौर जगत हमारा। और हम इसके बाद हम सौर जगत के बारे में वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट बनाएंगे। ये मेरा वीडियो पहला है दोस्तों।